अनुदेशक हैं, प्रोफेसर हैं जो कॉलेजों में भी नियुक्त है, सबको लेके लगातार किया जा रहा है। तो इसी में आज की घटना है जो थोड़ी सी विचलित करने वाली है आपके उत्तर प्रदेश की है। एक रंजीत सिंह थे जो कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में चालक थे, बस चालक थे। बस बहुत दिनों से चालक संघ लिख रहा था कि बसें खराब है, डिपो में सामान नहीं है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो रास्ते में उसका शाफ्ट टूट गया, तो वो खड़े होकर उसे बना रहे थे, पीछे से एक ट्रक ने मार दिया, वही मर गए, बेचारे की जान चली गई। तो संविदा पे जो थे बस के चालक, अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने पल्ले झाड़ लिए कि भाई ये तो संविदा पे थे, तो कहा कि ग्रेचुटी का है का पेंशन। मैंने मामले की थोड़ी और तहकीकात की तो पता चला कि लगभग 25 वर्षों से 1996 से लगातार लगभग 35,000 संविदा पे नियुक्त बस चालक है, परिचालक है, जो लगातार लगातार जिनका शोषण हो रहा था। उनको 10,000 रुपया दिया जाता था जो उत्कृष्ट श्रेणी के ड्राइवर होते थे, और जो उसके बाद जो सामान्य श्रेणी के थे उनको 7,000 और उत्कृष्ट श्रेणी को 4,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। कोरोना के बाद यह कहकर कि अब यात्री उतने नहीं आ रहे हैं, वो 4,000 भी बंद कर दिया गया है। ऐसा शोषण जरा सोचिए, कोई बस चालक है जिसके हाथ में सैकड़ों लोगों की जिंदगी होती है, जैसे शिक्षकों के हाथ में, शिक्षा निदेशक है, इनके हाथ में कितने ही बच्चों का भविष्य रहता है। उनको हम न्यूनतम मजदूरी, जो अली साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि मिनिमम गवर्नमेंट, हाँ मिनिमम गवर्नमेंट की परिभाषा से हम सब वाकिफ है। मोदी जी अगर मिनिमम गवर्नमेंट चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी तो मिलना चाहिए, वो भी तो किसान का हक है। एक मजदूर को मिनिमम वेज भी तो मिलना चाहिए, या अनुदेशकों को अगर कुशल मजदूर भी मानते हो आप, कुशल मजदूर। एक बस चालक को 16 साल चलाने के बाद जब उसकी डेथ हो गई, उसकी पत्नी ने गुहार लगाई उत्तर प्रदेश रोडवेज में कि भाई इसको कुछ दिया जाए, तो जांच उन्होंने कहा कि इनके पास वैध लाइसेंस बस चलाने का नहीं था, इसलिए इनको कुछ नहीं मिलेगा। जो 16 साल के से आपकी बस चला रहा था उसका वैध लाइसेंस नहीं था, ये किसकी जिम्मेदारी है? और उसके बच्चे, उसकी बीवी सड़क पे बिलख रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में आप जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, ऐसा अन्याय क्यों होना चाहिए? मिनिमम वेजेस हम क्यों नहीं दे पा रहे न्यूनतम कुशल मजदूर की? कहीं पर भी अगर लेक्चर देने जाइए, मैं हैमबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में गया सर, एक लेक्चर के अगर आप एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं तो 500 से 1,000 देते हैं। दुबे जी, आप इतना अच्छा, इतनी अच्छा, आपकी इतनी अच्छी भाषा है, मैं तो सुनते ही रह जाता हूँ। आपका भाषण है तो कम से कम 1,000 यूरो पर भाषण पे चलना चाहिए वहां पर। अब हम चलेंगे, अब आपके साथ चलेंगे। तो जरा बताइए एक लेक्चर की, मैं क्यों ले कह रहा हूँ, शिक्षा की गुणवत्ता की अगर आप बात करते हैं तो आप स्कूल बड़े बड़े खोल रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं और कंप्यूटर दे रहे हैं, इन सुविधाएं दे रहे हैं, सुविधाओं से शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा। शिक्षकों को दीजिए, शिक्षकों को निश्चिंत करिए घर परिवार की ओर से, दाएं बाएं मुंह मारे, ट्यूशन कर ले, ये कर ले, खेती करवा ले, पेपर बंटवा ले, तरह तरह के धंधे करके बेचारे अपना घर पालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको आर्थिक रूप से उनको सुनिश्चित करिए, निश्चिंत करिए,